इस वीडियो में हम लोग let, where और const के बीच में differences देखेंगे। ES6 से पहले JavaScript के अंदर किसी भी variable को define करने के लिए where keyword का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में where keyword का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ reasons के कारण इससे bug आपके कोड में introduce हो सकता है। तो वैर जो है वो प्री ES6 कोड में पाया जाता है और हमको एज अ रूल ऑफ थंब इसको अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी वैल्यू को आप लोग थ्रू आउट योर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। लेट हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक्स को वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हम लोग अब चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन में और देखेंगे कि इस काम को कैसे किया जाता है, क्या लेट है, क्या वैर है, क्या कॉन्स्ट है, वैर से क्या दिक्कत आ सकती है, लेट को क्यों यूज करना चाहिए और ज्यादातर हमको कॉन्स्ट को क्यों यूज करने की कोशिश करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, अब तक की अपनी अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स की जर्नी में हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को और भी कई चीज़ें जावास्क्रिप्ट के बारे में बताई। अब टाइम आ चुका है समझने का कि लेट, वैर और कॉन्स्ट क्या होता है। तो मैं जाऊँगा सीधा का सीधा रैपलेट के अंदर और रैपलेट में मैं बनाने वाला हूँ एक नई रैपल, ठीक है। एक नई रैपल बनाऊंगा, नोड जेएस यूज़ करूंगा टेम्पलेट और इसका नाम मैं रखूंगा 03_var_let_const, ठीक है। और इस रैपल को क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो ये रैपल हमारी बन जाएगी, बन जाओ रैपल रेडी। यार रैपलेट इसीलिए बहुत बढ़िया लगता है, देखो एकदम पटाख से बन गई रैपलेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अब सीधे आप लोगों को दिखाऊँगा वैर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 3 वैर लेट एंड कॉन्स्ट और वैर का भी छोटा होगा। देखो क्या होता था कि जब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनी थी लेट 90s में, तब वहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करते थे वैर का, या फिर हम कुछ इस तरह कर सकते थे, या फिर हम कुछ इस तरह कर सकते थे, या फिर हम कुछ इस तरह से कर सकते थे, या फिर हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते थे। कहने का मतलब है कि सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और अलग अलग टाइप्स को हम लोग आने वाले वीडियोस में समझेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, जब मैं A=45 लिख रहा हूँ, B=Array लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ वैर की सहायता से, तो जावास्क्रिप्ट में पहले ऐसा था कि वेरिएबल बनाने के लिए वैर यूज़ कर लो, दैट्स इट, दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई और बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगी, तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि यार ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा अलग लैंग्वेजेस की तरह कि यार कॉन्स्टेंट को चेंज ना किया जा सके, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर एक फंक्शन में वेरिएबल को यूज़ किया जा रहा है तो ग्लोबली स्कोप वेरिएबल को वो चेंज ना करें एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि वैर का इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोट्स में आता हूँ और मैं दिखाता हूँ क्या लिखा है मैंने, एक एक करके पढ़ते हैं। तो वैर जो है वो ES6 से पहले, ES6 क्या है, ECMAScript 6, यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और जावास्क्रिप्ट को एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज बनाया दिया जा चुका है ES6 के द्वारा, ठीक है। उसमें वैर ग्लोबली स्कोप्ड होता है, यानी कि आपने अगर एक वेरिएबल बनाया तो आप उसको कहीं से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, जब हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो हो सकता है हम इफ के अंदर जाएं, ठीक है, हम एल्स के अंदर जाएं, हम एक फंक्शन के अंदर जाएं, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं console.log और यहाँ पर इसको रन करके दिखाऊं तो आपको कहोगे यार ये कैसा मजाक है, आपको ये कैसा मजाक है यार, सिंपल सी चीज़ है यार, console.log यहाँ पर ये कर दिया, असेंबली एरे लिख कर आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ var b is equal to और मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस और यहाँ पर मैं console.log b लिखूँ कुछ इस तरह से और मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखना क्या होगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ तो दिस यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये कि अगर मैंने अंदर var b is equal to this लिख दिया एक ब्लॉक के अंदर तो बी दिस हो गया, दोनों बार दिस प्रिंट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लेट में चेंज कर देता हूँ बी वाले को, ठीक है, तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा। मैंने इसको भी लेट में चेंज कर दिया और इसको भी लेट में चेंज कर दिया और इसको मैंने जैसे ही रन किया आप देखो पहले दिस प्रिंट हुआ, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर का मामला, इस ब्लॉक के अंदर की बात इस ब्लॉक के अंदर रही और जो बाहर ग्लोबली स्कोप बी था वो हैरी था तो वो हैरी प्रिंट हुआ।
तो कुल मिला के हमें क्या पता चलता है इस एग्जाम्पल से, हमें ये पता चलता है कि जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। वैर में क्या है कि कहीं से भी चेंज कर दो, कहीं का भी डिक्लेयर किया वो वेरिएबल कहीं भी चेंज कर दो, लेकिन जो लेट है उसकी सहायता से आप ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स बना सकते हो। तो वापस से अगर मैं नोट्स के अंदर आऊँ तो आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि वैर कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर्ड विद इन इट्स स्कोप। ठीक है, आप उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा वैर ए इज इक्वल टू 45, फिर मैं वैर बी इज इक्वल टू मान लो टी लिख दूँ, तो आप देखो मैं इसको रन करूँगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही काम मैं लेट के साथ करता हूँ, सॉरी मुझे बी नहीं लिखना चाहिए था, ए लिखना चाहिए था, वैर ए देखो लेट के साथ ये काम मैं नहीं कर सकता, एरर आ गया, लेकिन वैर के साथ कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वैर जो है बग्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है आपके कोड में। तो हमेशा हमें लेट को ही यूज़ करना चाहिए और लेट को ही समझना चाहिए, हम एक रूल ऑफ थंब लेकर चल सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस कोड में वैर लिखा है वो कोड जो है फट जाएगा या फिर बम बम फट जाएगा आपके कंप्यूटर में अगर आपने वैर वाला कोड यूज़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर नया कोड लिख रहे हो, ताज़ा कोड लिख रहे हो, अगर आपका कोड अर्ली 2000 लेट 90s का नहीं है तो लेट का इस्तेमाल करो। विद दैट सेट मैं वैर वाले कोड को कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने वैर यूज़ किया है वहाँ वहाँ मैं लेट यूज़ करूँगा। ठीक है, बाय द वे मैंने ऑल्ट क्लिक करके मल्टीपल कर्सर्स जो है रेपलेट में मैं लाया हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, कहीं बाद में क्वेश्चन आएगी यार मल्टीपल कर्सर्स कैसे आए। तो कुल मिलाकर हमें लेट और कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल करना है। अब लेट और कॉन्स्ट को समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लेट बी इज इक्वल टू हैरी लिखा है, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग बी करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे हैरी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैं एक ब्लॉक के अंदर आ जाता हूँ, चाहे ये ब्लॉक मेरा इफ़ की वजह से हो, चाहे ये ब्लॉक मेरा फंक्शन की वजह से हो, चाहे ये ब्लॉक मेरा एक खाली ब्लॉक हो जो कि मैंने ऐसे बना लिया मस्ती में, जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया, इसके अंदर के वेरिएबल्स का स्कोप लेट की द्वारा इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि लेट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है। नोट्स में आता हूँ दोबारा से, वैर के बारे में हमने जान लिया, ठीक है वैर हम यूज़ ही नहीं करने वाले तो वैर पे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमको। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई पुराना कोड भी देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वैर को रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है। अगर आप कोई रीडिक्लेयर्ड वैर देख लो तो ये मत कहना यार एरर क्यों नहीं थ्रो कर रहा, यार वैर नहीं थ्रो करता था एरर अगर रीडिक्लेयर करो तो। ठीक है, वैर को अपडेट किया जा सकता है, रीडिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन लेट को आप अपडेट तो कर सकते हो, रीडिक्लेयर करोगे तो एरर मिलेगा। यानी कि अगर मैंने यहीं पर एक लेट बी इज इक्वल टू 4 लिख दिया, मुझे मिलेगा एरर, कहेगा भाई क्या मजे आ रहे हैं, क्यों रीडिक्लेयर कर रहे हो, देखो यहाँ पर एक एरर आ गया। ठीक है, तो लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हो, बी इज इक्वल टू 4 कर सकते हो, यानी कि आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, जब आप डिक्लेयर करते हो आप कहते हो ये वेरिएबल मेमोरी में बना दिया जाए। अगर आप दोबारा ये बात बोलोगे ये वेरिएबल मेमोरी में बना दिया जाए तो क्या होगा, तब मेमोरी में वो पहले से बोलेगा बार बार क्यों बना दिया जाए। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ लेट बी इज इक्वल टू हैरी, मैं कह रहा हूँ कि एक बी नाम का वेरिएबल मेमोरी में बना दिया जाए और हैरी उसमें स्टोर कर दिया जाए, तो बी के अंदर हैरी आ जाता है। जब मैं बोलता हूँ सिर्फ बी इज इक्वल टू 4, तो उसका मतलब होता है कि बी नाम का एक वेरिएबल बना दिया जाए और अगर वो पहले से है तो उसमें 4 डाल दिया जाए। ठीक है, लेकिन लेट लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है कि बना दिया जाए, तो वो बोलेगा यार बना हुआ तो है पहले से। वैर जो है एरर थ्रो नहीं करता था जब आप वैर ए इज इक्वल टू 45, वैर ए इज इक्वल टू पी लिखते हो, तो इसलिए वैर को यूज़ नहीं करते यार, क्या पता कितनी बार डिक्लेयर कर रखा है किसी ने वेरिएबल। लेट में आप कर ही नहीं सकते, एरर थ्रो करेगा। कभी कभी एरर्स अच्छे भी होते हैं, एरर्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं। देखो अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो और आपको एरर मिल रहा है तो कभी कभी वो एरर अच्छा भी होता है, क्योंकि शायद अगर आप लोग को वो एरर अभी नहीं मिलेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा एरर किस चीज़ की वजह से आ रहा है, तो आपको वहीं के वहीं रोक दिया जाता है कि भाई एरर ले लो और यहीं पे फिक्स करो कोड को, फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आपने गलती कर दी, आपको पता ही नहीं आपने वो गलती करी और आगे जाके आपको उस गलती की वजह से पछतावा हो रहा है, कोई और गलती हो जाती है, 10 और गलतियाँ हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन सी गलती हो रही है। तो एरर्स अच्छे भी होते हैं। ठीक है, जैसे सर्फ एक्सेल का एक ऐड आता था ना, दाग अच्छे हैं, उसी तरह से एरर्स अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आएंगे वापस से अपने नोट्स के अंदर। लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड, मैंने आपको दिखाया। अभी अब कॉन्स्ट की बात कर देते हैं। कॉन्स्ट में ना आप अपडेट कर सकते हो ना रीडिक्लेयर कर सकते हो। कॉन्स्ट कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको पता है वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी नहीं, वेरिएबल बोलना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इस आइडेंटिफायर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट ऑथर इज इक्वल टू हैरी, तो यार कोड का ऑथर तो सेम रहने वाला है, इंटरनल अनलेस इस कोड को कोई और ना छुए, ऑथर तो सेम होने वाला है। और अगर मुझे पता है कि इस कोड को मैं ही एडिट कर रहा हूँ तो मैं कॉन्स्ट बनाऊंगा ऑथर को, कि गलती से भी चेंज ना कर पाए कोई। मान लो गलती से किसी ने एक वेरिएबल बना दिया कि लेट ऑथर इज इक्वल टू 5, ठीक है, मान लो किसी ने बना दिया, तो मुझे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, वो बोलेगा भाई ऑथर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, आइडेंटिफायर ऑथर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पर मुझे जो है ऑथर इज इक्वल टू 5 जो है वो पहले से ही एरर थ्रो कर देगा, कहेगा कुछ और ले लो इस वेरिएबल का नाम, ये ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर हो रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ से आप लोगों को बचाएगा ये। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया। थ्रोज एन एरर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज
कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। अब अगर मान लो मैं सिर्फ ऑथर इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ तब भी एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि यार ये कॉन्स्टेंट है। अब ये दूसरा एरर थ्रो करेगा, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कह रहा है कॉन्स्टेंट वेरिएबल को क्यों असाइन कर रहे हो, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट होता है, जो चीज़ कॉन्स्टेंट है, जो चीज़ बदल ही नहीं सकती उसको बदलने का क्या मतलब है भाई साहब, ठीक है ये कह रहा है, ठीक है। दो कुल मिलाकर आप लोग समझ गए, कॉन्स्ट कैन नाइदर बी अपडेटेड नॉट बी डिक्लेयर्ड, वेर वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड, वेर एज लेट एंड कॉन्स्ट आर नॉट इनिशियलाइज, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट जो इनिशियलाइज नहीं होते हैं, वेर वेरिएबल्स अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होते हैं। कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन अनलाइक लेट एंड वेर। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, आप लिख दो यहाँ पर कॉन्स्ट हैरी और सेमीकोलन मार दो और आपको इसकी वैल्यू बाद में दूंगा, नहीं नहीं कर सकते आप ये। देखो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा ये एरर थ्रो करेगा, अरे भाई इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कॉन्स्ट हैरी मैं लिखूंगा तो मुझे कुछ इज इक्वल टू करके लिखना पड़ेगा, जीरो या इज इक्वल टू कुछ और अब मैं इसको बदल नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो वेर आपको यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब करना है अगर आप कोई पुराना कोड एडिट कर रहे हो तो पुराने कोड में यूज़ किया जाता था, तो अगर आप वो एडिट कर रहे हो तो पता होना चाहिए आपको वेर क्या होता है। फ्रेश कोड में यूज़ नहीं करना है, लेट यूज़ करना है, बस कॉन्स्ट यूज़ करना है, कॉन्स्ट ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करना है। अगर आपको पता है कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उसको कॉन्स्ट करो। मैं पता है क्या करता हूँ, जब अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखता हूँ मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स इनमें मुझे कन्फ्यूजन है, मैं उनको कॉन्स्ट ही बना देता हूँ, और अगर बाद में मुझे लगता है कि मुझे उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो मैं कर देता हूँ यार चेंज, मैं उसको लेट बना देता हूँ ऊपर जाके कोड को। तो कॉन्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करना है, और जहाँ नहीं कर पा रहे हो वहाँ पर लेट यूज़ करना है, और वेर को कभी यूज़ ही नहीं करना है। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझना और अमल करना है इस पर, ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हो। तो कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो चीज़ है ना वेर लेट और कॉन्स्ट, थोड़ा टाइम दो अपने आपको, खुद समझ में आ जाएगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियोस में। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो जो कि प्रोग्रामिंग बिगिनर्स हैं उनको बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगेगा, लगेगा यार पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, क्या है, कभी अनडिफाइंड लिख दिया कभी नल लिख दिया, ये सब चीज़ें क्या है, मुझे ना नल पता क्या है ना मुझे अनडिफाइंड पता क्या है, मुझे तो बस उस नल के बारे में पता है जो कि मेरे घर पर लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा ये नल अलग होता है, NULL, ठीक है, ये वाला नल नहीं होता, नाला नल वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, और अनडिफाइंड भी क्या है, ये सारे प्रिमिटिव टाइप्स हैं, सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा ना कि छाके भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। सो विद दैट सेड, आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोर्स जो है वो एक्सेस कर लेना, नोट्स भी मैं दे दूंगा जैसे चैप्टर खत्म होगा, सारी PDFs में डाल दूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे पिछले वीडियो की PDF जो है वो नहीं मिल रही है उनको, तो जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं PDF भी दे दूंगा, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे अपलोड करूंगा मैं, और अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए, इसको यहाँ पर बुकमार्क कर लेना, सेव भी कर लेना इस प्लेलिस्ट को, किसी ने अभी तक एक्सेस करी नहीं है प्लेलिस्ट तो कर लेना यार, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव, और रैपलेट पे मुझे अगर चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।